की करबे 100%? समूह सबको जनश्री बीमा कराबे छे, हमहु करेबे। ठीक छै, 100,000 रुपया जा कराबो ले। प्रणाम। प्रणाम भैया। की हाल चाल छै दीदी? ठीक छै दीदी। सुनलो छी तो जनश्री बीमा करबै छो? अब कराबै त छी। तो दीदी हमरो बता देती हो जनश्री बीमा केना करबै छै, त हमहु तब जानती ओकरा बारे में। बैठ बताबै छी। दीदी बैठे छी, हमरो बतलाब जनश्री बीमा कहाँ करबै छै। दीदी जनश्री बीमा योजना की उद्देश्य छै? जनश्री बीमा के यही उद्देश्य भैया कि अगर हम कहीं जा रहल छियै या कोई भी दुर्घटना हो गेलै, चाहे हमरा मृत्यु हो गेलै, तऽ हमरा जे छै परिवारो के तत्काल के लिए आर्थिक सुरक्षा के लिए कुछ पैसा कौड़ी जे छै मिली जेतै। अगर हमरा साथ कोई दुर्घटना हो जाए छै तऽ हमरा परिवार के जे छै आर्थिक स्थिति खराब हो जाए छै। ओहि स्थिति में भैया अगर हमरा जनश्री बीमा करैलो रहतै तऽ हमरा परिवार के जे छै आर्थिक मदद मिली जेतै। इएह लिए छै भैया जनश्री बीमा कराबै छी। एकरो मतलब इएह होलै दीदी कि जे हमरो जो बीमा करैलो रहै छै, जे हमरा साथ कोई दुर्घटना हो गेलै तऽ हमरा परिवार के तखनी आर्थिक स्थिति खराब हो जेतै। हाँ ठीक, तऽ ओहि स्थितिमे जे हमरो बीमा करैलो रहै छै तखनी हमरो परिवार के आर्थिक मदद मिलतै। मिलै छै, इएह लग जनश्री बीमा करबै छी दीदी ने। हाँ एकरो उद्देश्य इएह होलै। हाँ दीदी जनश्री बीमा योजना के उद्देश्य बतला देलो, अब तो अपना परिचय बतला दे। ठीक छै भैया बतलाबै छी। हमर नाम भेलै भुट्टी देवी। सीता जीविका स्वयं सहायता समूह के हम कोषाध्यक्ष छियै। लक्ष्मी जीविका महिला ग्राम संगठन के हम कोषाध्यक्ष भेलियै। घर भेलै हमर ग्राम ढोकवा, थाना धमदहा, पोस्ट धमदहा भेलै हमर, जिला पूर्णिया के हम निवासी छियै। दीदी जनश्री बीमा योजना की होय छै? भैया जनश्री बीमा के ही आम आदमी बीमा योजना कहै छै। जनश्री बीमा सरकार और LIC के सहयोग बीमा जे छिकै भैया स्वयं सहायता समूह के सदस्य के लिए एक सामूहिक बीमा योजना ई छिकै। ई बीमा उ सदस्य के होतै जेकरो की 18 से 59 साल तक उम्र हेतै और उ स्वस्थ होते ओकरो है। एकरा मतलब यहाँ ले दीदी ई बीमा छै सरकार और LIC के सहयोग से चलै छै। हाँ भैया। और एकरा में जे छै सर ई स्वयं सहायता समूह सदस्य का सामूहिक बीमा होय छै। हाँ और ई बीमा वहाँ सदस्य का होते कि जेकरा उम्र 18 से 59 वर्ष तक होते। हाँ और उ पूरा तरह से स्वस्थ होते ओकरे होते। जी आप जनश्री बीमा करबै में कोन कोन कागज लागे छै वो बता देतियो? 100% भैया ID कार्ड हमर लेने छियै। ठीक छै। हाँ। चलो वहाँ समूह बैठक में CM भैया बैठल छै। ओ 100% ID कार्ड लेकर चलो। हाँ कौन कौन कागज लागतै? हाँ। CM भैया भरतै अभी। हाँ चलो दीदी तब बैठिए हमरो बता दियो तो। चलो प्रणाम दीदी साहब। नमस्कार। जी हमू सिखै लेलो जी जनश्री बीमा केना होय छै। आबिए बैठबे। आबो भैया बैठियो। एक 100% या वोटर ID कार्ड भैया हलाला हमरा जे छै जनश्री बीमा हमरा लिखो। अच्छा दीदी जरा पास वोटर आई कार्ड नहीं रहते तू की करते तब? भैया जकरा ID वोटर ID कार्ड नहीं छे ना। हाँ। तो ओकरा जे छे ना तो मुखिया से जे छे पहचान पत्र बनवाबे पड़े छे, या ना तो स्मार्ट कार्ड छे वही से होते, ना तो राशन कार्ड जे छे ओहो से होते ओकरा। ओ जरा पास ई वोटर ID कार्ड नहीं छे। हाँ। तो मुखिया से पहचान पत्र बने छे ऊ। हाँ। ना तो स्मार्ट कार्ड। हाँ। ना तो राशन कार्ड। राशन कार्ड मतलब ई सब लेके बने। अच्छा दीदी ओरा में ओरिजिनल ले देबो? ना भैया ओरिजिनल नै देबे, एकरो फोटो स्टेट करा के देबे। ओ एरा में ओरिजिनल नै दे छै? नै एरा फोटो स्टेट करा के रहते। हां अच्छा दीदी ओ जनश्री बीमा करबै हम 2100% लागै छै आरो देल पड़ै छै? नै भैया 100% घर से देल पड़ै छै। हां और 100% दीदी के नाम पर भारत सरकार दे छै।
समूह जे दीदी छे ना ओकरो बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते ना ओकरा छे दू बच्चा अगर वो दीदी के बच्चा दूटा पढ़ते ओकरा छात्रवृत्ति मिलते जैसे 100% महीना मिलते यानी जे समूह दीदी छे बीमाधारी जे बीमा करे ओकरा सरकारी स्कूल में पढ़ते ओकरो बच्चा पढ़ते दूटा तब तो ओकरा वो मिलते छात्रवृत्ति सरकारी स्कूल में पढ़ते दू बच्चा मिलते आ कौन क्लास में दीदी बच्चा जब पढ़ते कि नौमा से बारहवा क्लास तक तब मिलते और नौमा से बारहवा तक ओरा मिलते यानी नौमा से बारहवा तक में पढ़ते तो ही ओरा छात्रवृत्ति मिलते हां कितना मिले दीदी 100% महीना मिलते ओरा छात्रवृत्ति मतलब 100% महीना मिले छे हां काय बार मिलते दीदी भैया साल में दो बार मिले छे साल में दो बार मिले छे छात्रवृत्ति हां मिले छे कोन कोन महीना मिले दीदी जुलाई दिसंबर में साल में दो बार मिले छे जुलाई और दिसंबर में बीमा करे लो ई कत्ता दिन खोले भैया 1 साल के भेले ओ बीमा 1 साल के होले हां एकरा जे छे ना 1 साल के अंदर जे छे फिर से 100% डाक नवीकरण करा लेना छे ओ जनसदी बीमा छे 1 साल के होले हां और 1 साल के अंदर एकरा 100% दे के शुरू नवीकरण करा लेते अच्छा दीदी 1 साल के अंदर हम 100% दे के जो नवीकरण ने नहीं करे तो की होते बीमा तब ओकरा की होते भैया तब जे छे ना नहीं करे ते रद्द भ जे छे ओ 101 साल के अंदर जो 100% दे नवीकरण नहीं करे ते तो बीमा रद्द होते बीमा रद्द भ जे छे दीदी जनश्री बीमा करवे की लाभ छे जैसे कि भैया साधारण मौत होय के लाग बाद ओकरो नॉमिनी के 30,000 मिले छे ओ साधारण मौत होय से तो नॉमिनी जे नाम जो 30,000 मिले छे जैसे कि भैया कहीं जा रहल छे और एक्सीडेंट भए गेले एक्सीडेंट भए गेले त लोग के देम जे छे 6 अंग छे जैसे दोनों आंख भेले दोनों हाथ भेले दोनों पैर भेले आय मस अगर एक्सीडेंट हो गेले सीरियस ओकरा जे छे ना 75,000 मिले छे मतलब कहीं कोई जा रहल छे तो जो दुर्घटना हो गेले जना शरीर का अंग छे मिले छे केकरा बीमा धारिक के मिले छे जना कहीं कोई जा रहल छे एक्सीडेंट हो गेला जना शरीर का जना दोनों हाथ छे दोनों पैर छे दोनों आंख छे मतलब ई मतलब ये म से कोनो दो अंग पूरा नाकाम हो गेले तो बीमा धारिक का मतलब 75,000 के मिलते अगर भैया एक अंग खत्म भ गेले त ओकरा मिलते 37,500 आ जो एक अंग कोनो नाकाम हो गेले तोरा 37,500 रुपया मिलते हां अगर दीदी कहीं जा रहल छे भैया हां एक्सीडेंट में अगर सरपट मरी गेले ओकर नॉमिनी जे छे 75,000 मिली जे हां यानी ई होले कि दीदी एक्सीडेंटल में जे मौत हो गेले हां तो बीमा धारक जो एक्सीडेंटल मौत हो गेले दीदी अगर मौत भ गेले अचानक हां एक्सीडेंट से तब ओकरो नॉमिनी 75,000 मिलते और बीमा धारक दीदी जो एक्सीडेंटल मौत हो गेले तोरा नॉमिनी जे छे ओरा 75,000 मिलते हां दीदी जनश्री बीमा करबे में कोनो सावधानी और रखे पड़े छे हां भैया 1 साल के अंदर 100% दे के फिर से नवीकरण करावे पड़े छे मतलब वो जे बीमा कर लिए हम ओरा 1 साल के अंदर में 100% दे के फिर ओरा छे नवीकरण करवे पड़े छे हां अगर हम 100% दे के नहीं कर लिए तो वो जे छे जनश्री बीमा जे छे रद्द भ जेते ओ 100% दे के जो नवीकरण नहीं करेबे तो बीमा रद्द हो जते रद्द भ जेते छात्रवृत्ति मिलते भैया वही बच्चा के जे 9 से 12 क्लास तक में पढ़े छे और बीमा धारी के जे बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े छे ओरा छात्रवृत्ति मिलते हां और वो छे कि जे 9 से 12 क्लास तक में पढ़े छे ओकरे मिलते हां हमरो समूह भैया एक लहरी दीदी रहे वो अचानक गुजर गेले और ओकरा गुजरला के बाद उ जे रहे ने दीदी जनश्री बीमा करेने रहे और चलो भैया जो जानकारी लेके छौं तो चलो हमरा साथ हम ओकरा परिवार से तरह जानकारी दिला दे हां चलो दीदी
कोई छो दीदी घर में है? हाँ दीदी, की बात छे? छी है घरे में। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। भैया यहाँ छे लहरी दीदी के गोतनी। यहाँ लहरी दीदी गोतनी छे दीदी? हाँ। लहरी दीदी गुजरले आहे गोतनी रे दीदी? हाँ भैया हमरे गोतनी। सुनले दीदी उजन श्री बीमा करेला रहे? हाँ करेला रहे। तो हमरा की ओरा लाभ मिले बतेतिए ना हमरा। भैया ओकरो घर जे रहे ना, पाँचो छओ बच्चा के सिर्फ वही कमा खिलबे रहे, चाहे वो मजदूरी करी खिलबा कि जैसा खिलबा, पूरा घर ओकरे पर है, दीदीए पर। ओकरो दुल्हा शराबी रहे भैया, तो ओकरा मरला के बाद बच्चा सबके बहुत दिक्कत होले। तो भैया ये स्थिति में वो दीदी के इंश्योरेंस भेलो रहे 2 महीना पहले, ज्यादा दिन नहीं, तो इंश्योरेंस के माध्यम से दीदी दो महीना पहले इंश्योरेंस होला रहे। हाँ भैया 2 महीना पहले इंश्योरेंस होल रहे, तो 30,000 रुपया दीदी के मिले। दीदी ने कुछ कर्जा भी ले रहे बाहर से, तो टका से कुछ कर्जा भी तोड़ी लेके एक बाद बेटी के शादी कर लेके। बीमा की तरफ से 30,000 रुपया मिले भैया? हाँ 30,000 रुपया मिले, और वो कुछ कर्ज चुका लेके बच्चा से ना, आ कुछ पैसा का बेटी के शादी करके खूब अच्छा से। वना वो शादी कभी नहीं करवा सकती है, जना धूमधाम से की टका से शादी करके। हमारे सब भैया अब बीमा उकरो दीदी के देखी, लहरी दीदी के देखी, हमारा सबके पूरा आत्मा विश्वास हो गए हमारे जन श्री बीमा बेरथ 100 रुपया नहीं जा। अब जे भी दीदी पहले से बीमा नहीं करे रहे, वो भी दीदी चाहे छे हम बीमा करेबे। हाँ दीदी, सब दीदी बोले छे हम बीमा करेबे। अब बीमा तो जरूर छे दीदी, जब वो बीमा करेला रहे, वो जब गुजरी गेले तोरा बीमा के तरफ से 30,000 रुपया मिलले। हाँ भैया, ओकरा ऊपर कर्ज रहे, कर्ज रहे, उत कर्जो टूटले और बेटी के शादीओ करी ले करी लेलके। बीमा तो जरूरी छे दीदी, तभी एकदम जरूरी छे भैया गरीब के लिए। दीदी तो इतना जानकारी लग रहा ले, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद भैया। दीदी तो दीदी सबको कोनो संदेशो देल चाहे छ? हाँ भैया देल चाहे छी, कि सभी दीदी से निवेदन छे कि सब दीदी जन श्री बीमा कराब और एकरा से लाभ उठाब। दीदी तो अपना कीमती समय दे के हमरा जन श्री बीमा योजना के बारे में बतेलो, एकरा लिए तोरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।